तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबा कर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान अशोक सुंदरी का स्थान सामने। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया विषहरा सामरीबारी दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इसी चैत्र के महीने में इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए, बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा अगर शिव कृपा कर देते, ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकते, सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है महाराज। आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्र की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो दो स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा एक सिंदूर का बनेगा, बस अंतर इतना है जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकू के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है, जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा। आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना, तो कलश किस लिए रखा जाता है, कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिए का महत्व क्या है, अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है, पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है। पर यह नवरात्र में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्र में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आदि शक्ति की स्थापना होती है, मां जगत जननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्र में, शरदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में, आदि
पौष नवरात्रि में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रणी होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते? आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर प्रयागराज में या उज्जैनी में नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब ही तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल, तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है, उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं, स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, आप लोगों से भी निवेदन है, चैत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं। कलश का इस संसार सागर से उबरने के लिए हम भगवान की कथा को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उतार लें। कलिकाल में बहुत सारे साधन है साहब भगवान को पाने के लिए, कोई कहता है कि तुम गंगा के घाट जाओ, कोई कहता है कि तीरथ जाओ, कोई कहता है कि मंदिर जाओ, कोई कहता है कि वहां जाओ, कोई कहता है कि आप बहुत समय तक कहीं सेवा क्रम में लग जाओ। कली काल में बहुत सारे साधन बता दिए कि आप साधना भी कर सकते हो, आप तप भी कर सकते हो, आप घंटों तक नेत्र बंद कर भगवान को रिझा भी सकते हो, साधन बहुत बना दिए। पर शिव महापुराण कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए, आप दूसरी आधारशिला में अगर डूब रहे हो, आप दूसरे भाव में डूब रहे हो कि भगवान मिलेगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक ही आधार बहुत भारी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरही पारा। कलिकाल में एक नाम की आधारशिला हो और वो नाम परमात्मा का हो, जगत का नाम नहीं चाहिए हमें, संसार के नाम से हम नहीं तरने वाले हो, एक भगवान का नाम, एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक शिव नाम, एक जगत जननी जगदम्बा का नाम, एक आदि शक्ति का नाम अपने भीतर में हो। और फिर जब उस परमात्मा का नाम हम इस हृदय चित्त से लेंगे, उस परमात्मा के नाम में जब हम डूबेंगे तो उसका आनंद भी तो बहुत। बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है?
भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहां पर बाहर का हिस्सा होता है उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिए। आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। पर इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आदिशक्ति के नवरात्र में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो ये पक्का है कि आप वैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो वैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः नारायण स्वतः अपने पास आ जाए इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा हमें स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं नहीं हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए। कहा करूं मैं बेकुंठ के जाए, मैं बेकुंठ जाकर करूंगा क्या? बेकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए, मन को तो ये चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि बेकुंठ का नाथ, बेकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो वैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको, और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम वैकुंठ में हो कि और कहीं हो, कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहाँ वैकुंठ में बैठे हो कि कहाँ हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि वैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था साहब, भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने वैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो वैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग कह रहे हैं अरे हौरे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, वैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम वैकुंठ जाएंगे और हम वैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे, नहीं नहीं हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें वैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज निर्मल, जब भाव होगा तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती। भगवान का चरित्र कह रहा है कि आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आप निर्मल भाव से जितना भगवान की भक्ति को धारण करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान का भजन करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त हो जाए। उतनी जल्दी भाव कह रहा है महाराज कि ये जो भगवान ने जिभ्या हमको दी है ये केवल इस कली काल से उबरने का एक साधन दिया है, इस कली काल से उबरने का एक साधन, कली काल से निकलने का एक साध्य बनाया है।
एक बार आदि शक्ति माता गजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शिव से माँ जगजननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु सुनिए, मैं जहां जहां पर हूं, माँ जगदम्बा कह रही हूं कि मैं जहां जहां पर हूं प्रभु आप वहां वहां पर हो ना। शंकर जी बोले जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगजननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती मैं वहीं पर हूं। जहां आप शंकर भगवान ने कहा सुन पार्वती तू जहां पर है वहां पर शंकर है। मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है। आप लोग को अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबाइएगा। ओम नमः शिवाय, नमस्ते भैया।